हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग नेवर एंड्स। स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव कम विद अ न्यू टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। सो इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, राइट, एंड दिस टॉपिक वॉज लेफ्ट। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेट अस अंडरस्टैंड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स, एनी टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जिसका सम 90 डिग्री होगा, दे रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। सो here are some very important you can say complementary angles relations which you have to keep it in mind. For example, sin 90 degree minus a is equal to cos a. जैसे sin 90 degree, जैसे 90 degree complementary represent करता है, right? तो 90 degree में से minus a कोई angle है a, right? उसको minus करेंगे sin में से तो sin will become its complementary, complement means opposite बन जाएगा, sin का cos हो जाएगा, right? तो sin हो जाएगा cos a, अगर 90 में से minus हो रहा है, because 90 is complementary। next chapters में आप आओगे, supplementary angles भी होते हैं, that is the sum of 180 degree, but यहाँ पे 90 degree को हम complementary angles बोलते हैं। तो जब भी 90 डिग्री में से कोई भी एंगल जो है सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इट विल टेक इट्स ऑपोजिट साइन, राइट। ऑपोजिट मींस कॉम्प्लीमेंट्री साइन ले लेते हैं। ये साइन का कॉस ही हो गया, टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोसीकेंट ए, कॉस देखिए इधर देखिए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए बन गया, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए, राइट। तो यूजिंग दीज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो हम आगे देखेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, लेट अस लुक एट द बोर्ड। ये एग्जांपल मैं आपको बोर्ड पे समझा देती हूँ, जिससे गिवन है टैन 65 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 25 डिग्री, राइट। तो देखो इसमें क्या है, हमें क्या करना होता है, वी कैन टेक एनी, चूज एनी, या ये चूज़ कर लीजिए, ये चूज़ कर लीजिए, राइट। तो इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म में लिखना है। अब जैसे tan 65 डिग्री लिया मैंने, तो ये हो जाएगा tan, यानी 90 में से कितना माइनस किया कि tan 65 होता है, तो 90 में से अगर 25 माइनस करेंगे, राइट, तो वो जो है 65 होगा, राइट, क्लियर। tan ये मतलब इक्वल हो गया tan 65, ये भी 65 है, ये भी 65 है, लाइक tan 90 माइनस 25 tan 65, और नीचे जो लोअर एंगल है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, क्लियर। अब देखिए अभी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में आ गया, इसको हम जो है इस ऐसे लिख सकते हैं, tan विल बिकम cot 25 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा cot 25 डिग्री, नीचे वाले जो है डिनोमिनेटर में सेम, इट विल बी कैंसल्ड, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो एवरी टाइम आंसर 1 नहीं आता, नहीं आएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रॉब्लम्स हुई ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। सो लेट अस कम टू सेकेंड में देखिए, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, गिवन है, अब कहते हैं a यानी हमें एंगल निकालना है कितना है, राइट। सो यू विल राइट हेयर साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, राइट। तो अब हमने इसने साइन a को देखिए, यहाँ पे साइन a को इन्होंने यहाँ पे इन्होंने क्या, हमने इसको साइन a को कॉस, मतलब हम ट्राई करेंगे कि ये दोनों कॉस कॉस बन जाए, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस 3a जो है वो साइन 3a बनेगा, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब इनकी ये देखिए, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो इनकी ये जो एंगल्स हैं इनको हम जो है कंपेयर कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस 3a जो है, यानी ये इक्वल होने चाहिए a माइनस 26 डिग्री, राइट। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, एक साइड पे ले आइए इसको, इसको उधर ले जाइए, राइट। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएंगे 4a, दिस विल गो दैट साइड, प्लस हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, ठीक है। माइनस 26 माइनस 90 डिग्री लगा लो इज इक्वल टू 0, तो 4a इज इक्वल टू, इनको प्लस कर लो, ये हो जाएगा 6, ये 100 माइनस 106 हो गया इज इक्वल टू 0, है ना, क्लियर। तो a जो है हमारा, या इधर आ जाओ देखिए, इस इधर पॉजिटिव फेस से ले आए, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो आप यू विल फाइंड कि ए जो हमारा है, देखिए 4 टू ज़ा 8, ठीक है, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल 29 डिग्री आ जाएगा हमारा, क्लियर। 9 16, यस, राइट। तो ए की वैल्यू आ गई 29 डिग्री।
ऐसे हम जो है वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं कुछ, ये जो है इन्होंने सम आइडेंटिटीज़ लाइक जो प्रूव्ड आइडेंटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है वो यही रहती हैं, राइट. प्रूव्ड आइडेंटिटीज़ हैं जो हम अपनी फर्दर जो हम सॉल्व करते हैं उनमें इनको यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को, राइट. फॉर एग्जांपल कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, राइट. जब भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है प्लस होंगे तो उनका जो है वन होता है सम, राइट. तो ये हमने अपना वी हैव टू कीप इन माइंड. सेकेंड इज वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए. वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एट. ये हमने याद रखनी है आइडेंटिटी. एंड थर्ड आइडेंटिटी इज कॉट स्क्वायर ए प्लस वन. और यू आप इसको ऐसे लिख सकते हो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू को सीकेंड स्क्वायर ए, राइट. तो कॉट स्क्वायर में वन प्लस करेंगे तो को सीकेंड बन जाएगा. टेन स्क्वायर में प्लस वन करेंगे तो वो जो है आपका कॉट बन जाता है, राइट. तो सीकेंड स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर ए सॉरी जो है वो वन वन होता है. तो ये दीज थ्री आइडेंटिटीज वी आर गोइंग टू यूज फर्दर इन आर टू सॉल्व द सम्स, राइट. तो कोई एग्जांपल ले लीजिए. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ. जैसे नेक्स्ट दिस एग्जांपल इज एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टैन ए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ ए. यानी कॉस ए और टैन ए और सीकेंट ए को साइन ए की फॉर्म में लेके आना है, इन टर्म्स ऑफ साइन ए सॉरी, राइट. तो जैसे हमारी आइडेंटिटी है इन्होंने गिवन है, यहीं से अंडरस्टैंड कर लीजिए. अगर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, राइट. तो कॉस स्क्वायर ए ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की. कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट. लुक एट हियर, राइट. तो अगर दिस इज बट कॉस स्क्वायर ए सिंपल कॉस ए हमने फाइंड आउट किया तो वो हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, क्लियर. प्लस माइनस बोथ वैल्यूज. उसके बाद अब हम इन्होंने कहा है कि कॉस टैन और सीकेंट को आपने इसमें फॉर्म में लेके आना है, राइट. तो मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड से समझा रही हूँ. आप देखिए जो टैन ए होता है, टैन ए क्या होता है, टैन ए होता है साइन अपॉन कॉस, राइट. तो अभी देखिए हमारी क्या आई थी, हमने फाइंड आउट किया था कि कॉस ए जो है आ गया हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट. ये हमारी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन से आया है, हमें इसकी वैल्यू मिली है. तो यही वैल्यू हम पुट कर लेंगे. टैन ए क्या होता है, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए ओवर कॉस ए, राइट. अब कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है तो कॉस ए की वैल्यू हम ये डाल लेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट. न्यूमिरेटर में साइन ए रहेगा. उसके बाद जो है साइन की फॉर्म में आ गई है, राइट. टेन ए की वैल्यू साइन की. अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो फिर से वापस यही आ जाएगा, इसको वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, राइट. तो साइन की फॉर्म में लाना है. वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टेन ए इन द फॉर्म ऑफ साइन ए. नाउ सीकेंट ए, सीकेंट ए क्या होता है, सीकेंट जो होता है कॉस का ऑपोजिट होता है, वन अपॉन कॉस ए, राइट. तो वन ओवर कॉस ए क्या है, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट. ये सीकेंट ए की वैल्यू आ गई है. और थर्ड हमें क्या लेके आना है, थर्ड हमें लाना है कॉस ए, राइट. तो कॉस ए की तो अगर देखी जाए तो कॉस ए तो हमें ऑब्वियसली हमें साइन के फॉर्म में मिली गई है वैल्यू, राइट. सो वी हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कॉस ए टैन ए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, राइट. सिंपल होते हैं या थोड़ा सा अगर हमें फोकस करें, इफ यू मोर प्रैक्टिस मोर एंड मोर डू प्रैक्टिस तो यू गेट एक्सपर्टाइज, राइट. उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज सीकेंट ए वन माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टैन ए. इसको प्रूव भी करना है वन कैसे करेंगे. तो इसको देखिए प्रूव कैसे करते हैं. देखिए मेथड जो होता है ज़रूरी नहीं है कि फिक्स मेथड होता है कि ये जो गिवन मेथड है इसी से हम प्रूव कर सकते हैं. वी कैन प्रूव या कि हमने जो भी आइडेंटिटीज़ डालनी है या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ डालेंगे वो सही होनी चाहिए तो प्रूव हो जाता है. ये कोई इसका फिक्स मेथड नहीं होता है कि वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मेथड ओनली, राइट. तो अब जैसे सीकेंट ए इन्होंने सीकेंट ए इज़ गिवन यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए. लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने दिया है सीकेंट ए वन माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टैन ए. ये आराम से हो जाएगा, मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ. देखिए फर्स्ट इज है हमारे पास सीकेंट ए वन माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टैन ए.
सीकेंट को ही हम वन ओवर कॉस ए लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ सीकेंट ऑपोजिट होता है, वन माइनस साइन ए एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे भी सीकेंट को वन ओवर कॉस ए, टेन हम लिख सकते हैं साइन ए ओवर कॉस ए, राइट। उसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा आपका वन माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, राइट। और ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉमन हो गया, कॉस ए वन प्लस साइन ए, राइट। बीच में मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट साइन है, तो ये दोनों प्रोडक्ट हो गए कॉस स्क्वायर ए। ये देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। अब देखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, राइट। कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल होकर वन आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, राइट। तो वन स्क्वायर का वन ही होता है, राइट। तो कॉस स्क्वायर अगर वन उधर साइन स्क्वायर उधर ले जाए तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, राइट। ऐसे ही चाहे साइन को ले जाओ उधर तो साइन स्क्वायर ए, साइन ले गए तो कॉस स्क्वायर ए हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर, अगर कॉस को उधर ले जाते हो तो साइन स्क्वायर ए हो जाता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। सो वी हैव फाइंड आउट दिस दिस इक्वेशन। नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, cot a माइनस cos a इज इक्वल टू cosecant a माइनस वन, रेशियो ऑफ cot a माइनस cos a ओवर cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosecant a माइनस वन ओवर cosecant a प्लस वन। देखिए इसको हमने इसको भी इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, पहले इन्होंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड ली है, cot को लिख लिया cos a ओवर sin a, cot जो है tan का ऑपोजिट होता है, tan sin a cos a होता है, तो कॉट उसका ऑपोजिट यानी कॉस ओवर साइन हो गया, क्लियर। एंड माइनस कॉस ए एज इट इज़ रखा, तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसी प्रोसेस किया, फिर इनको सॉल्व कर लिया, क्योंकि देखिए अभी न्यूमिनेटर में कॉस कॉमन है, कॉस को बाहर ले लिया दोनों न्यूमिनेटर में से, यहाँ ऊपर से भी नीचे से भी लेने के बाद कॉस ए कैंसिल हो गए, राइट। तो वी आर लेफ्ट विद वन ओवर साइन ए माइनस वन रेशो वन ओवर साइन ए प्लस वन, राइट। तो वन ओवर साइन ए अगर देखा जाए तो ऑपोजिट ऑफ कोसिकेंट होता है, राइट। तो कोसिकेंट ए माइनस वन इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस वन, दैट इज आर आर एच एस, राइट। तो इस तरह से हम द मोर वी ट्राई मोर वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सो ट्राई मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। हैव अ गुड डे।